अगला सवाल वर्षा का है। तो वर्षा कह रही है कि कुछ जगहों पर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होती है, खासकर से जैसे पुराने घर या घर का कोई एक हिस्सा जहाँ पे बहुत स्ट्रेसफुल कोई चीज हुई हो, तो वहां की एनर्जी को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं और प्रेम में कैसे स्थित रह सकते हैं। हाँ, तो ये सब ऐसा है क्योंकि मैं भी जब अलग अलग देशों में घूमता हूँ ना, तो अभी कुछ लोगों ने मुझे यही बताया कि भी हमारे घर की एनर्जी देखो, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। तो पहले मेरा वो सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन किसी ने बोला तो मुझे चलो ट्राई करते कैसे फील हो रहा है। तो मैंने हर जगह में करके हर जगह में एनर्जी लेवल को देखा और मेरे अंदर से क्या क्या फीलिंग आती थी कि जहां टीवी का एरिया होता है वहां देखते हैं तो उस जगह की एनर्जी कुछ हैवी होती है, कुछ मीटिंग एरिया होता है वहां की एनर्जी अलग होती है, कुछ आपका बेडरूम होता है वहां की एनर्जी अलग होती है, किचन की एनर्जी अलग होती है। तो हर जगह वहां खड़े रहेंगे ना, तो जो व्यक्ति जहां है उसका वाइब्रेशन भी वही होता है। उन घर का कुछ कोना ऐसा होता है कि जहां हमें जाने के लिए भी डर लगता है। तो घर तो एक है, लैंड एक है, लेकिन एनर्जी एक नहीं। घर में लोग मंदिर क्यों बनाते, जब अशांत होती है तो मंदिर में जाके प्रे करते हैं, क्यों? कि वहां बैठने से वो वाइब्रेशन आता है, एनर्जी आती है, एक क्लेरिटी आती है, एक विजन आता है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत हेल्पफुल है। तो इसीलिए हम जब घर का ओपनिंग करते हैं तो पहले वो शास्त्रोक्त विधि से कथा रखते हैं या होम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कुछ गरीब लोगों को खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि घर की एनर्जी क्लीन हो जाती है। कोई लोग चैंटिंग कराते घर में बुला के, सब अपने अपने धर्म में कुछ न कुछ कराते हैं, कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सबकी अपनी अपनी परंपरा के अनुसार सब लोग अपने घर की एनर्जी अच्छी रखना चाहते हैं। तो जहां गलत एनर्जी होती है वहां कुछ हमें जो उनके जानकार है या वहां कुछ अच्छी एक्टिविटी होनी चाहिए या कुछ ऐसा वाइब्रेशन करना चाहिए, ऐसा प्रेयर करना चाहिए, ऐसी जगह को हम कुछ शास्त्रोक्त विधि से भी उसको क्लीन कर सकते हैं, तो उससे भी करके एनर्जी सफाई हो जाती है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने के बाद आप एक गिलास पानी में भी अपना मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप की एनर्जी पानी में जाएगी, फिर वो पानी भी आप कुछ जगह में छीट सकते हैं, तो उससे अपनी एक फीलिंग होती है, भावनाएं होती है कि उस पावर से भी हमारी घर की एनर्जी अच्छी हो जाती है, एक फीलिंग है। तो जब हम एक ही जगह मेडिटेशन करते हैं तो वो जगह की भी एक एनर्जी बन जाती है कि जगह में बैठेंगे ना तो आपका मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। तो मैंने ये जगह भी देखा है, कई जगह कई लोगों के घर पे तो पूरा घर है लेकिन एनर्जी लेवल सेम नहीं है। मैं स्विट्जरलैंड में गया था तो उसका एक बेसमेंट था, तो मेरे को ले गए, उसके अंदर कुछ काम था, तो जाने के बाद हमें तुरंत निकलना पड़ा। तो मैंने उनको बोला कि आप जो ये पार्ट है ना बेसमेंट में, ये ठीक नहीं है, वहां कभी कुछ काम मत करना, केवल फालतू चीजें स्टोरेज रख सकती है। तो उन्होंने बताया कि हम बरसों से हमारा यही अनुभव है कि हम जो गार्बेज है फालतू चीजें इसमें रख, क्योंकि हम जाते हैं तो उससे कुछ बेचैनी होती है। कई बार क्या होता है कि जगह के नीचे भी कुछ चीजें होती है,
कहीं जगह लेते हैं तो उसके नीचे भी कुछ ऐसी वाइब्रेशन होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट एरिया होता है तो वहां ज्यादा एक्सीडेंट क्यों होते हैं, क्योंकि वहां कुछ ऐसी एनर्जी होती है वो हमें मिस कंफ्यूज कर देती है। तो सरकार को भी साइन लगाना पड़ता है कि ये एक्सीडेंट एरिया है, आप संभाल के चलाओ। तो एक ही जगह पे एक ही कुछ एरिया में क्यों होता है, तो ये सब चीजें होती है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन हमारा अंदर का पावर अगर स्ट्रांग है, हमारी स्ट्रेंथ है, तो नेगेटिव एनर्जी हमें कभी नुकसान नहीं करेगी, हमें अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारी एनर्जी पॉजिटिव है, अगर घर में मेडिटेशन करेंगे, पूजा करेंगे, तो शायद वो नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक चलेगी।